बात कही कि बेटा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, वो कमेंट करनी ना आती, मैं तेरे ब्लॉग देखती रहूँ। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसी ब्लॉग ही देखते हो। जल्दी जल्दी मेरे बेटे बहुत सपोर्ट कर। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बाबा मूनराम की कृपया आप सब पे बनी रहे। आज सुबह सुबह मुझे मिल गया है इनसे अपने आप पे ट्रीटमेंट करने का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला मेरे हाथ में कब कांटा लग गया। अभी मुझे उसे निकालना ही है, तो मैं इसका यूज़ करके उसे निकाल लेती हूँ। दर्द उसका महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो देखा मैं चौंक गई, उनका दो दो कांटे घुसे हुए हैं हाथ में, पता ही नहीं चला। खुद को नहीं पता कि ये कांटा कब लगा है। अभी मैं कपड़े धो रही थी, मुझे जब महसूस हुआ और दो दो कांटे लगे हुए हैं। देखो शायद दिख रहा होगा, ये पिन से मैंने इसे छील दिया। मतलब वक्त इतना स्ट्रांग बना देता है, कांटे तक का दर्द महसूस नहीं होता। है तो काटा ही। और जब तक ये निकलेगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। और ये हो गया मेरा सीधा हाथ जिसमें लगाया, उल्टे में होता तो मैं निकाल लेती। मेरी मम्मी बिल्कुल लोलू है, निकल नहीं रहा ये। ये मेरा नाखून वैसे ही टूटा पड़ा है, अगर मैं इसे करूंगी तो ये वैसे चटक जाएगा। ये लगा कहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रही। एक बार ही घुमाने अब ठीक है। मेरे हाथ में दो दो कांटे लगे हुए हैं। लकड़ी काटी? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे भी। कुछ नहीं लाना, अरे यार पापा तो यू है वे पापा रखे तो फल। मैं भी तुम्हें निकाल के ही छोड़ूंगी, अपने हाथ में रड़कने को ना छोड़ूंगी। इसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ है। पता ना भाई मौसम में क्या चंडी चढ़े। देखो क्यों सीजन है बिगाड़ रहे हो, हैं? क्यों बिगाड़ रहे हो? बिहार है, किसी के लगन है, किसी के कुछ है, हम भी हमें भी जाना तैयार हो गए। ऐसा मत करा, देखियो कितना बुरा हाल कर दिया। ऐसे में हम कैसे जाएंगे? तो भाई मौसम के अनुसार बना लेते हैं चाय। हमारे गेस्ट भी आके फंस गए बेचारे यहाँ बारिश में। हमारे गेस्ट हाथ जोड़ रहे कि हम क्यों आए और क्यों यहाँ आके फंस गए। जो आप बोल रहे हैं ना अब की बार इतने ना लग रहे, ये अब की बार कट है, जब ये सारे सीधे सीधे जब अच्छे लगे पहली बार हुए ना। हाँ अब ये है ना, ये आगे के है। अब हर टाइम ये आगे भी ना रहते, यू भी करने पड़ जावे, तो ये थोड़े ऐसे हो गए, वरना ये रहे ना सारे पीछे के, ये ऐसे ही हो। चाक पुज रहा है इनका, है
ओए होए 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 ठंड, हम कैसे जाएंगे? आज हमें भी जाना है। उमेश्वर का पूजरा है या इनका पूजरा? हमारे यहाँ का हाल बारिश से देखो कितना बुरा हाल होगा। क्या मम्मी? मैं होने वाली हूँ रेडी, क्योंकि हमें भी जाना है आज एक फंक्शन में। बेटा मुझे नहीं आती, मुझे जाना है फंक्शन में। और यहाँ देखो, यहाँ हमारे दो दो शादियाँ हैं पड़ोस में। पहले दूसरा वो हो रहा था, चाक पूजा था, अब दूसरा पूजा है। अब मैं जल्दी फटाफट हो लेती हूँ रेडी, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं और फिर हमें जाना होगा एक ही हॉर्न पे। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। तब तक ऐसे जुड़े रहे और सब हो ही रहे तैयार, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बाय। फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, जो आपको मेरा फुल लुक अभी आगे दिखेगा, क्योंकि मैं अभी फुल लुक दिखा नहीं सकती, मेरी अभी वीडियो बनी है। और हम चलने के लिए हो चुके हैं रेडी। और भाई आज मौसम ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, ऊपर गंदे हैं, यही चीज समझ में नहीं आ रही। मैं जाऊंगी कैसे बाहर तक? शुक्र है गेट के बाहर गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन यहाँ इतनी कीचड़ हो रही है, आगे तो पता नहीं कितनी कीचड़ मिलेगी। चलो मिलेंगे हम आगे चल के, जिसमें फंक्शन में मैं जा रही हूँ। वहाँ आपको बहुत सारे नए चेहरे, नहीं बहुत सारे वो चेहरे दिखेंगे जो पहले व्लॉग में दिख चुके हैं। अगर कोई नया चेहरा दिखेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। दक्षु आ गई नानी, और ये कितनी झूठी है, कितनी झूठी है, नुकेरी गेट पे खड़े आ जा। कैमरे पे तो हाथ है, यहाँ पे आ। फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था, और इस झूठी ने पहले ही कॉल कर दिया, गेट पे आके भी ना खड़ी हुई। बस 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 बस, बस बाल खराब हो जाएंगे। मम्मी किस चीज़ का? मुझे अपनी मम्मी सोच रहा का? देख 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 हनी को, हनी देख हनी। लो मैं देख रही हूँ, आ जा इधर आ जा, देखो इसे देखो, मुंह छुपाएगी अभी वो अपना। तू मैं शर्मा, मासी शर्मा रही है कि मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ, तू मैं शर्मा खा ले, खा देगी वो आगे खाने वाला। कैमरा घुमा दो, मत दो। कट मेरे साथ घूमते हैं मनीषा दीदी भी, और ये अब घूम रही है। देखो ये खुद खाते, एक बार भी मुझसे नहीं बोलते कि आप भी खाना खा लो। छी छी छी, कैसी है ना तू? अब भी नो कह रही, देख कितनी बुरी राय, तो भी नो पीऊं। सही कह रही, देख ये भावज कितनी बुरी है, सामने खड़ी है, इनके हम पहचान में नहीं आए। और गुड़िया कैसे हो? आपके लिए नहीं कहेंगे बेटा, आप तो अपनी भतीजी हो। कोई बात ना, भाभी से लड़ लो। भाभी से हक पड़ा है हमारे लड़ने का। अच्छा बड़े ही सुंदर लग रहे हो, अभी हम देख ही रहे। मैं इनकी व्हाइट व्हाइट पहन रखा, देख अब मेरे पीछे पीछे आएगी हो, और जब मैं इसे लेट गई अभी वो आई ना, और अब पीछे पीछे आ रही है। एक बार याद करो, एक बार बोले जब पापा का मैं तो गेल ना हूं। कौन बक्का? कौन बक्का? बोले पर आता आ गया। ओ
मैंने जैसे कि आप सबको बोला था कुछ चेहरे नए मिलेंगे, मुझे पता ही था कोई तो रिलेटिव ऐसा आएगा। हेलो गाइस, तो ये दीदी मिली है जिसकी लगन है उनकी बुआ की लड़की। हाँ, मैं यूज़ की बुआ की लड़की और आप बुआ हो? देख लो व्लॉग बहुत तक जा रहे हैं और ऐसी सपोर्ट बनाओ। और बुआ ने बहुत अच्छी बात कही कि बेटा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, वो कमेंट करती ना आती, और मैं तेरे व्लॉग देखती रहूँ। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसी व्लॉग ही देखते हो। हेलो करो, अरे आंटी तो बुआ तो कह रही मैं पढ़ी लिखी रहूँ। हेलो गाइस, तक बोल दो तेरे बेटे बहुत सपोर्ट करो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा देख, ज्यादा से ज्यादा देख मेरे बच्चे को। स्टार्ट। अभी मत करिए इतनी जल्दी, बेकार है, जल्दी करना है और क्या। अरे लक्की ढूंढ रहा हूँ गाड़ी की चाबी कहाँ है। पीछे घुमा दे, कैमरा घुमा दे, घुमा दे इधर को, पीछे को घुमा दे। यार कितने दिन से लोग बना कैमरे पे हाथ झाड़ू वाले का देख, ऐसे ऐसे व्लॉग देख रही है बुआ, व्लॉग को बता रही है। ऐसे देखो, ऐसे बना लो, ऐसे होता है। देख अब क्लियर आ रहा है, ऐसे कर लिया कर। जा तू टिक्की, बारिश आ रही, कोई फायदा नहीं। व्यस्त व्यस्त इंसान है, व्यस्त। अरे भात ले लेता हूं तो चल। शेर, अरे शेर किसकी गैल है तू? शेर मैं पापा गैल। तू मजा में जा रही, तेरे पापा गैल। ठीक कह दे पापा, हम पैदल चल जाएंगे। शे भगवान, बूंद आनी स्टार्ट हो गई, अभी इंतजारी सब साइड हो जाएंगे। ओ कितनी आराम से खड़ी है आंटी, और बड़ी बेइज्जती है सच में ऐसे में। दक्षिण इधर हो अंदर। हाय मैं बारिश बढ़ गई, अब तो भाई बारिश बढ़ गई। वो भाग लिए जा रहा हूँ गाड़ी में, कहा बारिश है गाड़ी में, बारिश आ रहा है। ऐसा जैसा राहुल जा रहा हूँ, भागो। वो कॉफी, कॉफी ले ली भाई। तो अब यहाँ पे हो चुका था हमारा डांस स्टार्ट, और यहाँ पे एक बात सबसे अच्छी थी कि यहाँ पे मेरा अब तक का व्लॉग बन गया था, और तब यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अब ये कैप्चर लिया था, और सबसे फर्स्ट में हमने ये डांस स्टार्ट किया था। और अब से पहले अगर ये बज रहा होता तो शायद व्लॉग इतना नहीं बन पाता जितना अब तक व्लॉग बन गया था। अच्छा ही था मेरे लिए कि मेरा तो व्लॉग ही बन गया था, वरना मुझे आगे की क्लिप भी म्यूट करनी पड़ती जिस तरह मैंने ये म्यूट की है। तो यहाँ पे मैं और कोमल कर रहे थे डांस। आपको स्टेप किससे कुछ समझ में आ रहा हो, जिसको गाना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखते कितना देखते हो आप गाने, या फिर कितना याद रखते हो। परफेक्ट डांस तो नहीं आता, बट कुछ कुछ स्टेप तो मैंने गाने वाइज कर ही ली थी, जैसा गाना था वैसे ही स्टेप कर ली थी। अगर आपको उनसे लग रहा हो इसलिए बोल रहे हो, अगर शायद आपको समझ में आए तो कमेंट करना, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। बाकी थोड़ा थोड़ा आप तो समझ में शायद आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो
थोड़ा ये है कि खाने के बाद सही है, खाने के बाद डांस किया तो थोड़ा इन्जॉय भी हो गया और खाना भी हजम हो गया। वैसे तो खैर मैंने इतना खाया नहीं क्योंकि आप सबको पता ही है मैं सेवा पे हूँ। आपसे पहले जो बर्थडे मैं गई थी वहाँ भी मैंने कुछ नहीं खाया था। शाम के टाइम तो खैर मैं मीठा ही खाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने वही खाया था मीठा ही। बाकी पता नहीं ये डीजे वाले क्या ही करते हैं, जब थोड़ा सा लगता है ना कि डांस करने लगे या फिर ये वाला गाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या करते हैं गाना चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये गाना चेंज कर दिया। इस वाली क्लिप में अब तक ये 3 बार गाना चेंज हो चुका है, ये 3रा सॉन्ग था और लास्ट में आगे देखोगे आप क्लिप में तो ये 4था सॉन्ग यहाँ पे चल गया था। तो फिर मैं तो यहाँ से हट ही गई थी, मैंने कहा मुझे आई नहीं, कोमल तो मुझसे पहले ही हट गई थी यहाँ से कि मतलब बार बार ऐसे चेंज कर रहे थे। ये नहीं कि थोड़ा बहुत चलने दे, जो जिस पर डांस हम कर रहे हैं उस पर डांस भी हो जाए, नहीं। तो यहाँ पे जो मुझे इस थोड़ा समझ में आया तो इसलिए फिर मैंने डांस किया। गाना आपको बताना नहीं है क्योंकि गाना आप खुद बताओगे, और अगर नहीं बताया तो फिर मैं आगे आपको ब्लॉग में इंस्टा पे दिखेगी मेरी एक क्लिप, क्योंकि वहाँ पे मैं लगाऊंगी कि हाँ ये वाला ब्लॉग आउट हो चुका है, मेरे चैनल पे लाइव है, तो वहाँ पे आप ये गाना सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ तो हम लगा सकते हैं, वहाँ कॉपीराइट का वो नहीं है, यहाँ पे कॉपीराइट का है। वरना म्यूज़िक तो अच्छे चल रहे थे यहाँ पे, अगर ये अनम्यूट होती तो बहुत ही अच्छी वीडियो होती, बट कोई नहीं, जो भी है जैसी भी है बहुत ही अच्छी है। अभी यहाँ हम डांस करके थक गए थे, मैं तो सच में यहाँ पे थक गई थी डांस करके, और मम्मी और बच्चे यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि मम्मी पहले ही निकल गई थी। तो फिर अब मैं भी यही कह रही थी विक्की से, मैंने कहा विक्की चल मैं भी चलती हूँ। आप सबने देखा हम गए थे लगन फंक्शन में, जो बुआ की बेटी की लगन थी, और श्वेता सच में ही बहुत 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 मिस किया मैंने तो तुझे। आज कितने दिनों बाद हम भाभी के बर्थडे पे एक साथ थे और तब हमने व्लॉग बनाया था। फिर विक्की की शादी भी मिस होगी, उसमें भी हमने साथ में वीडियो व्लॉग थी बनाई। आज मेरी बहन नहीं आई, मुझे सच में भी बहुत बुरा लगा, मिस यू। और देखो टाइम पे होता ही है, भाभियाँ भी इतनी सैड हो गई थी और अब हम घर पे आ चुके हैं। और आप सबको आई होप व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अपना करके तो मतलब ये लगा लो मैंने बहुत बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैं आपको बेस्ट देती हूँ, आप मुझे बेस्ट नहीं देते, तो यार प्लीज़ आपका क्या ही जाता है। देख लो बुआ की ननंद यानी कि बुआ जो है हमारी, वो भी इतना प्यार करती है और यही कह रही थी मेरी लाडो को, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पापा मुझे लाडो बोलते हैं, आज उन्होंने भी मुझे लाडो बोला, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब वाकई में प्यार करने वाले तो मेरे साथ है ही, मुझे मतलब मिले थे जो भी, और सच बताऊँ सबसे अच्छी लगी मुझे ये बुआ और ये चंचल दीदी जो भी थी, चंचल या कंचन नाम था इनका, ये मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये आई और सामने से आके बोली, उन्होंने मुझे वीडियो ब्लॉग में ही देखा, हाँ पहचाना, फिर मुझे वो फेस टू फेस मिली। अब चाहे वहाँ और कोई हो जो मुझे जानता हो, जो नहीं बोला उनके लिए मैं यही कहूँगी, यार सामने तो आया करो, कम से कम बोला तो करो। तो ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पर ख़त्म। आप सबको मेरा ये लुक अच्छा लगा, मेरा तो ये फेवरेट है ब्लैक, जो मुझे सच में खुद को बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अब हमें चेंज करना, आपने देखा बारिश का मौसम है, इतनी कीचड़ हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मिलेंगे बाद में।